हाय एंड नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो फोन्स में iOS थीम कैसे अप्लाई करें विद 7G। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं मैं आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहिए। तो जो कि वो थीम है वो है iOS with 7G। तो आपको इस थीम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहीं से इस थीम को डाउनलोड कर लेना है सिंपल सा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में यस फाइल एक्सप्लोरर नामक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, और इधर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके शोडियम फाइल्स जो कि आपकी एनेबल नहीं होगी उसे एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको उस फाइल को सर्च करना है, जैसे मैं सर्च करता हूँ iOS की जो कि ये हमें सिंपल से इसे यहाँ से कट कर लेना है, और कट करने के बाद .dwd फोल्डर को ओपन करते हुए जाना है सिंपल सा, और एंड में जाके जो कि टी फोल्डर है उधर जाके इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको आपकी आई थीम ओपन करनी है। जैसे आप आई थीम ओपन करेंगे तो आपको इधर एक थीम शो होने लगेगी जो कि है ये। तो आपको सिंपल सा इस थीम को अप्लाई कर देना है। जैसे आप थीम को अप्लाई करेंगे तो जो कि फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है वो है जो कि हमारा 7G दिखा रहा है इधर, और इधर हमारा बैटरी आइकॉन लाइक तो iOS जैसा हो चुका है, और सेटिंग में भी जो कि ऐप आइकॉन है वो iOS जैसे दिखा रहा है, और यहाँ पर कॉल UI में भी टोटली iOS जैसा ये दिखा रहा है। इसके बाद जो कि हमारा मैसेंजर ऐप वो भी लाइक टू iOS जैसे दिखा रहा है, और इसके साथ जो कि मुझे इसके अगले इम्प्रूवमेंट लगी वो है इसका लॉक स्क्रीन। जैसे कि आप देख पा रहे इसका लॉक स्क्रीन लाइक टू iOS जैसा हो चुका है, और एक इम्प्रूवमेंट मुझे और लगी जैसे मैं मोबाइल चार्जिंग से कनेक्ट करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे ये इधर बैटरी अकाउंट शो होने लगा है, और हम मोबाइल ओपन करते तो जैसा हमारा वैसा ही, और जब चार्जिंग पर लगाते तब बैटरी आइकॉन थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी लाइक तो सेम ही। लेकिन जो कि इस थीम को मैंने ओनली कस्टमाइज़ किया है, जो थीम का रियल ओनर है वो इंडोनेशिया से है जो कि आप देख पा रहे वीवो ग्लोबल थीम्स एंड फॉन्ट इंडोनेशिया। तो इनका इसलिए मैंने उधर का कुछ चेंज किया क्योंकि जो रियल ओनर है उसको ही इस थीम का क्रेडिट मिलना चाहिए, मैंने बस थीम एक कस्टमाइज़ की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय, सी यू लेटर।